और जो भी बाहर है धक्का मुक्की करके ही अंदर आना पड़ेगा, अगर टाइम ना हो जाए बस। टाइम होते ही है। भाई ने तो 1:35 का अलार्म लगाया था गाइस, देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, लॉक खोलो। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह लेट हो गया हूँ, आज मैं किसी काम से रुका था घर पे। एक्चुअली जिम की फ्लोरिंग आनी थी तो रुके थे हम अभी, लेकिन इमरजेंसी में कुल्लू जाना पड़ रहा है। तो आज 3 जनवरी है, हमारे कुल्लू BFA फिटनेस की फर्स्ट एनिवर्सरी। काफ़ी खुशी है, थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत साथ दिया। बस ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखें और हम आपके लिए कोशिश करें कि अच्छी अच्छी सर्विस दें। और बस अभी कुल्लू पहुँचते फिर आप लोगों से बात करते हैं। अभी मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा दिमाग खाली हो गया मेरा, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि सारा दिमाग वहीं है। और गाइस आज देखते हैं कितने लोग ये ऑफर लेते हैं और लाइव रहेंगे आज हम। कितने ऑफर जा रहे हैं, कितने लोग एक लेगा तो भी बताएंगे, दो लेगा तो भी बताएंगे, क्योंकि एक लेगा तो बोलेंगे क्या बात है यार, मतलब तगड़ा ऑफर छोड़ दिया। उसके बाद कोई भी ऑफर आने वाला नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, जो ये ऑफर लेगा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये 3 तारीख से अगले 3 तारीख तक रहेगा। हाँ तो गाइस जिम पे पहुँच गया हूँ, अभी लोग तो चले गए अभी, लेकिन काफ़ी यार अभी मैं बात कर रहा था सबसे तो बहुत अच्छा अच्छा कह रहे थे लोग, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये साल निकाला और आगे भी ऐसे ही रखें। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही एनर्जी देते रहें सबको। यार एक तो ये ब्लॉग नहीं आ रहा यार, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे पता 8 बजे का ब्लॉग आपने कल बहुत इंतज़ार किया होगा। पता नहीं वाईफाई की वजह से ना, जब भी मैं घर जाता हूँ ऐसा ही होता है यार यही। हाँ भाई सुबह कोई कमी तो नहीं छोड़ी? नहीं पक्का। कितने सेशन कराए कार्डियो के? कार्डियो के 2-3 कराए और सबको मतलब वर्कआउट कराया अच्छे से, कोई एक बंदा छोड़ा भी नहीं हमने। एब्स करवाए, वर्कआउट करवाया, कार्डियो करवाया, डांस करवाया। और गाइस हमारा जो एम है ना वो है पूरे अपनी यंग जनरेशन को फिट रखना और उनको नशे से दूर करना। आपको भी पता है काफ़ी लोग बजौरा में नशा कितना फैल रहा था, जब से BFF खुला हम लोगों ने खाली जिम नहीं चलाया यार, मेंटल हेल्थ के साथ हमारा काम ही ये है कि सामने वाले को खुश रखना है, उसका हर दिन मन करे कि वो बाहर फालतू घूमने फालतू बैठने से अच्छा है जिम आए, है ना। हम ये चीज़ें करवाना चाहते हैं। और हमारे पास ट्रेनर्स भी देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चे यार, 20-22 साल 23-23 साल के लड़के हैं ये इतनी मेहनत करते हैं जितनी हम नहीं करते। मुझे नहीं लगता जिम इस तरीके से कोई चला सकता है जिस तरीके से ये लोग चलाते हैं और जिस तरीके से ये लोग आप पे मेहनत करते हैं। कभी कभार हाँ एनर्जी डाउन होती है, वो सबकी होती है यार, कभी कभार होता है ये चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों से, प्रशासन से भी, कि BFF फिटनेस जिम जो भी चला रहे हैं, जितने भी जिम चल रहे हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि यही चीज़ है जो हमारी यंग जनरेशन को बचाएगा। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो गाइस, प्यार बनाए रखो और जिम ज़रूर जाओ, अपने बच्चों को जिम ज़रूर भेजो, क्योंकि वो जो 1 घंटा रहता है ना जिसमें कभी कभी कुछ कुछ होता है, सबको नहीं कहता सब बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं होता है, समझ रहे हो ना बात को, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बचाओ अपने यंग जनरेशन को बचाओ। आशीष भाई हाँ जी, साल हो गया आपको भी? बिल्कुल 1 साल हो चुका है। तो जिम को भी साल हुआ, आपको भी साल हुआ? बहुत अच्छा गया हमारा 1 साल, बस गया। और हाँ आपकी बात रोक रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ इनको भी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि देखो यार एक वर्कआउट करना और साथ में दूसरों को भी सजेस्ट करना फिट होने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास आए, देखो मैंने आज तक नहीं आपको कहा, और एडमिशन लिए वो भी आ रहे और उनको भी इतना अच्छा लग रहा है वो, इन्होंने क्योंकि ये उनको कहते थे कि अगर आपको अच्छे से फिट होना है ठीक है सब अच्छा है सब जगह, इन्होंने किसी की बुराई नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये खराब है वो खराब है, इन्हें ये अच्छा लगा। तो जितने इनके अपने थे इन्होंने कोशिश की उन्हें कि आप भी अच्छी जगह जाओ, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपका ब्लॉग कब आ रहा है बताइए? ब्लॉग कौन सा? आज का वो आ गया है, आ गया 9 बज चुके हैं, आ गया अभी 1 मिनट पहले आया, 1 घंटे वाला चल चुका है, नहीं अभी उसके अंदर टाइमिंग है वो मैं बताऊंगा। अरे अभी रुक भाई आ जाओ, ब्लॉग ही मत देखो बैठ कर, देख रहे हो मुझे पता, हमारा सीन स्पेशली निकाला आपने ढूंढ कर, दोनों से आ रहे दिल्ली से आएंगे वाला हम पहले, हाँ आएंगे आएंगे ये मुझे पता, आएंगे आएंगे। तो अंश अपने हिसाब किताब में लग गया। हाँ जी सर हिसाब किताब कर रहे हैं, सबकी पर्चियाँ निकाल रहे हो। हैप्पी एनिवर्सरी भाई। हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी, आपका तो अपना जिम है भाई। हाँ जी हाँ जी।
तो बताइए कैसा रहा और क्या कहना चाहते हो अपने क्लाइंट्स को आप? मैं तो यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें और अपनी मतलब सेहत का ध्यान रखें। आप आए जिम ज्वाइन करें, ऑफर भी है आज, और क्या बोलते हैं कि अच्छा खाएं, अच्छी सेहत रखें। और हेलो बी फ्री फिटनेस फैमिली, हैप्पी एनिवर्सरी आप सभी को। बहुत मज़ा आया मुझे भी और आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस ऐसे अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि हम भी आपको अच्छी सर्विस दे सके और आप भी हमें बहुत अच्छा एंटरटेन कर सके और मज़ा दे सके। तो फिर ये साल तो इसी तरह गुजर गया और एनिवर्सरी भी आ गई और मैं चाहता हूँ कि अगले साल भी ऐसे ही हम तरक्की करें और आप भी तरक्की करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बट आज आना पक्का, मतलब आज वाला व्लॉग तो कल आएगा, बट आप लोग आई होप आप सब पिछले कल आए होंगे और आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा एक साल में बहुत साथ दिया, ऐसा ही साथ बनाए रखो और जिम ज्वाइन करो। कौन सा जिम? BFF फिटनेस। तालियां, आज ताली। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट बन गया, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। सर नमस्कार, ऑफर कब है? ऑफर? हाँ। आप ही हमारे ऑफर हो, बताइए कब ऑफर दें आपको? आप अर्चित, मैं बहन भाई साथ, तुम बताओ ऑफर कब लेना? ऑफर आपको भैया ब्लॉग देखना, ब्लॉग में आपको टाइम पता लगेगा और उस टाइम के अंदर आना आपको। देखो सॉरी यार, सब बोला था। नहीं, मैंने टाइम मैंने कहा 10 से 11 बजे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने ब्लॉग में 8 बजे ही बोल दिया। आप ब्लॉग देखना आराम से, देखता हूँ अभी जाके, ठीक है? और लाइक करना, अर्चित भाई को भी बोलना। अर्चित सुन रहा है ना भाई तू? ब्लॉग देखना और कमेंट आना चाहिए। चीटे रहे, चीटिंग कर रहे। गाइस बहुत सारे कॉल्स आ रहे, क्या रिस्पांस मिल रहा है गाइस? बस ए, ये क्या दिखा रहा तू कैमरे? भाई ये कौन भाई, क्या चल रहा था ये तुम यार? भाई वो एंगल सेट कर रहे थे। अच्छा एंगल, अपना एंगल क्यों दिखा रहे हो? मिस्टर हैंडसम हर दिन की तरह ब्लॉग में, इसके गुब्बारे में हवा नहीं आ रही है। तो गाइस शाम की तैयारियां चल रही है, देखो क्या बात है जी। अपना ऑफर शुरू होने में ना अभी एक घंटा बाकी है, 1.5 घंटा बाकी है। मैं सोच रहा हूँ तब तक ना मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, पूरी वीडियो देखनी है, छोड़ना मत। अंबानी को देख के फॉलो कर रहे हैं, पहले सस्ते में इकट्ठे कर लो बाद में। तो गाइस अब अपना जिम इतना बड़ा है कि हम लोग रनिंग भी कर सकते हैं आराम से, क्या कहते हो सर? है ना एकदम बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, स्पेस बहुत खुल चुका है। रनिंग तो गाइस अपने जिम में हम लोग। तो गाइस 1 बज चुका है, कुछ देर ही है ऑफर शुरू होने में, देखते कितने लोग आते, कॉल्स तो बहुत आ रही है। कोच नितेश आ गए हैं, कल इनकी हालत देखी थी आपने सर, कैसा लगा था कल आपको? आवाज निकली थी अच्छी सी। सर नमस्कार, हेलो, कैसे हैं? बस बढ़िया है। देखो गाइस सर का प्यार देखो, सुबह भी आए थे, मैं नहीं था यहाँ पे, लेकिन सर अभी भी आए। पर्सनैलिटी देखो सर की, एज बताओ, कोई गैस करके बताओ, ठीक है? कमेंट सेक्शन पे लिखना सर की एज कितनी होगी, फिर से देखो। शाबाश, चेस्ट अप, चेस्ट। तो गाइस देख रहे हो सर सबसे पहले मेंबर बनने जा रहे हैं फील्ड से, वैसे तो सर ऑलरेडी मेंबर है सर। तो गाइस फिर बताओ कितने एक्साइटेड हो, कितने लोग आ रहे हैं आज? कितने आ रहे हैं? 1500 कुछ ही पॉसिबल है, हो सकता है। तो गाइज मेरा वर्कआउट अभी बाकी है, लेकिन ऑफर शुरू हो गया। तो गाइज एडमिशन शुरू हो गई है, चलो भैया आ गए यहाँ पे देखते हैं। हेलो हेलो भैया, हाय हाय भैया, कैसे हैं आप? ऑल गुड। तो आपने भी वीडियो देखा या कहीं से पता चला आपको? मेरे को फ्रेंड का कॉल आया। अच्छा जी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर था। अच्छा, तो इस जिम के बारे में आपने पहले सुना कभी? पहले ज़रूर सुना है। अच्छा, वही मैं यहाँ पर बता नहीं था। ओके। यहाँ पे भी हम पेंट चेंज करेंगे यार, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, लाइट है, अब चेंज कर देंगे इस दीवार को भी। प्रोटीन पी लेता हूँ यार, भूख भी लग रही है, अभी जा भी नहीं सकता हूँ कहीं। देखो कौन है सर, पूरे टाइम पे हो? देखो टाइम का मुझे, ओए एक और देखो भाई साहब ने पूरा टाइम पकड़ के रखा था, मुझे लगा था मजाक कर रहे हो कल, आपने कहा मैं पूरे टाइम पे आ जाऊंगा। देखो मैं लकीली ऐसा हुआ कि थोड़ा काम भी है। ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने,
ये देखिए 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 इन्होंने कहा था एक 35 में आ गए पूरा एक 35 पे एंटर हो रहे सारे भाई ने तो एक 35 का अलार्म लगाया था गाइस देखो 35 में आना है और जरूर आना है तो गाइस देखो मैम भी आ गए पूरे 135 पे सारे 135 पे आ रहे तो गाइस देखो सब आ रहे सब आ रहे सब आ रहे आओ 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 तो गाइस देख लो चल रहा ऑफर सब लोग आए हुए यहाँ पे हमारे पुराने देखो अनु मैम भी पहुँच गए हेलो हेलो हाँ जी आपको भी ऑफर लेना है ऑफर लेना आपको भी हाँ जी हाँ जी अरोरा साहब कैसे हैं बढ़िया जी गॉड ब्लेस यू कैसे हैं आप हैप्पी न्यू ईयर और सर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर आइए सर आइए नमस्कार नमस्कार सर कैसे हैं बाकी रोड लग रहा है अभी नहीं जा रहे हैं हाँ अब आप एक बात बताओ क्लास छोड़ के आगे नहीं खत्म करके आया हूँ अगली पे जाना है अभी नहीं एक क्लास खत्म करके दूसरी लेने आइए आइए सर आपको भी ऑफर लेना है जी सर हाँ जी बैग लेके आ गया दो साल कर प्रणाम कैसे हैं हेलो हेलो भाई जी कैसे हैं जी बढ़िया जी आप सुनाइए बढ़िया हाँ जी नमस्कार नमस्कार आप देखो आपको भी हमने ले आया आपको भी कैसे हो भाई बढ़िया जी वेलकम बैक चलो हेलो हेलो आओ 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 हेलो कैसे हो हेलो आ जाइए आ जाइए अच्छा जो गाड़ी ईओन वो आपकी गाड़ी थी इसीलिए ये कह रहा है ये गाड़ी देखो कौन सी है देखा गाड़ी वाले भी पकड़े गए और ब्लॉग देख के आ गए ब्लॉग देखते हो आप चलो थैंक यू बस देखते रहो हाँ जी सर कैसे हैं आप इनकी कॉल आ रही थी थोड़ी देर पहले मुझे पता था फिर अंश ने बताया मुझे कॉल आ गई है सर कैसे हैं आप दुड़ा दिया तुमने मुझे ये कह रहे अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हमारा है ना इस या तो इस स्क्रीन में बहुत छोटे दिखेंगे या तो फिर एक अल्ट्रा वाइड करना पड़ेगा अल्ट्रा वाइड फ्रेम को अल्ट्रा वाइड करना पड़ेगा कुछ भी हो सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी आपको जरूर तो बने रहो वीडियो बहुत लंबी है गाइस अभी शाम को 6 बजे आना है ठीक है बाय मिलते हैं शाम को बाय बाय मैं सोचा बोरी बिस्तर लेके ही आ जाओ आपको और पूरे BFF फिटनेस फैमिली को एक साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान करे ये ऐसे ही बढ़ते जाए हमारे बीच में मतलब बढ़िया संबंध रहे जिम के और कस्टमर और उससे बढ़कर रहे ये हमारा जो भी है कार देने वाले थैंक यू सो मच गाइज अपना प्यार दिखाने के लिए तो आज का ऑफर ख़त्म अब कोई नहीं बोलेगा ऑफर के लिए प्लीज़ हाँ बहुत ऑफर दे दिए सबके लिए तो ब्रो क्या क्या काम रह गया अब बस सर काम तो सारे हो गया अब फ्लोरिंग बची है फ्लोरिंग बाकी है तो ऊपर है कब आएगी फ्लोरिंग हाँ जैसे ही फ्लोरिंग आएगी वैसे ही फिर डन रेडी उसी दिन डन चलो चलो थैंक यू सो मच तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं खाड़ा मार्केट तक थोड़ा सा काम है हमें तो गाइज देखो हमारे सर देखो वहाँ पे सर का शोरूम दिख रहा है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि सर के शोरूम में लेके जाएंगे आपको तो देखो फाइनली कैसे मैं किसी और काम से आया था और देखो सर भी दिख गए मुझे हेलो हेलो सर 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 आप पहले सर वाह सर ब्यूटीफुल क्या बात है सर अरे मोस्ट वेलकम वाव अमेजिंग सर थैंक यू अब यहाँ पे आकर कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शोरूम के लिए बहुत ही शानदार अरे आप आए इससे खुशी की क्या बात हो सकती है जो सेक्शन है ये सेक्शन हमारे न्यू बॉर्न से लेके 3 साल तक का सेक्शन है जो ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन अच्छा जी तो अगला सेक्शन है वो हमारा 4 साल से लेके 14 इयर्स तक का है ये कैजुअल सेक्शन है हमारा बहुत बढ़िया सर थर्ड फ्लोर में ले जाता हूँ हाँ ये जो सेक्शन है हमारा ये बहुत जल्दी सेक्शन बनाने वाला है अभी तो फिलहाल हम इसको एज अ बैकअप यूज कर रहे हैं पर बहुत जल्दी यहाँ पे हमारा न्यू बॉर्न से लेके 14 इयर्स तक का है और इसमें हर एक चीज़ रखी है हमने शूज़ एवरीथिंग बल्कि ड्रेसेस तो हैं ये शूज़ तक भी रखे हैं हमने मजा आ गया और सच में रौनक आ गई दोबारा से तो भाई शैली भाई की पर्सनैलिटी देखो भाई भाई क्या लग रहा है भाई हाइट बराबर हाँ जी भाई जोड़ी बहुत अच्छी है दोनों भाई आ रहे हो ना शाम को आ रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल
जय हो। ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ट्रक का। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मीट चावल खा रहे हो दोनों? कैसा था? बढ़िया था, मजेदार था ना? तो गाइस थकावट बहुत ज्यादा है और तैयारियां भी बहुत सारी करने को है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन शाबाश शाबाश, जल्दी करो जल्दी भाई। लेकिन आज दिल्ली जा रही है पल। ये देखो दिन में पूरा पैकेज का फायदा उठाने के बाद जिम में पहुंच गए ये। डॉक्टर साहब, आपके लिए, आपके स्वागत के लिए हम यहाँ आए हैं और आपके जिम की आज एनिवर्सरी है। आप देखिए सर, आपका जिम कैसा बन रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है सर? अल्टीमेट। तो गाइस एक बंदे आ गए यहाँ पे, देखिए हमारे बाइक का रिंचन। और सुनाइए, बस बढ़िया पहुँच गए आप? दोपहर में मैंने थोड़े ढीले बहाने किए थे, देखता हूँ आऊंगा, लेकिन इनको पता है आना तो पड़ेगा ही, अपना जी मेन का। कैसे हो? कॉलेज में, बट कहाँ जा रहे हो? एनिवर्सरी। चलो आना बाद में, ठीक है? ओके। तो फाइनली यार दानिश भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वैसे पूरा काम कर लिया है, अभी फ्लोरिंग का बाकी है। ये तो कह रहे थे कि आज ही लाओ, आज ही लगा लेंगे, लेकिन हमारी ना अभी फ्लोरिंग नहीं आई। अंदर देखो एक चेला लगा रहा उल्टा पुल्टा। रे रे, देखो कहाँ कहाँ से आए लोग, कहाँ कहाँ से आए। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया भाई। ये है BFF फैमिली हमारी, देखो पूरी भुजौरा वाली। Yo, what's up? बढ़िया जी, आप आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रीट। अच्छा खाएंगे आज, मजा लगे। पिछला चटनी बहुत टेस्टी थी, थैंक यू। देखिए यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है, दो ब्लॉगर, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉगर बनाया है इन्होंने। सब ब्लॉग, दोनों भाई, भाई ने मुझे ब्लॉगर बनाया था क्योंकि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि करो भाई आप कर सकते हो। थैंक यू ब्रदर। ये मेरा कैमरा क्यों बंद है भाई? आइए ब्लॉगर दूर से। नमस्कार। हेलो हेलो भाई, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी, वैसे बहुत खूबसूरत हो सारे, और खूबसूरती बिखेर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। भी आगे गाइस, हमारी BFF फैमिली सर हमेशा मोटिवेट करते, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। हेलो, जाओ,
नया साल नई शुरुआत और हमारा टारगेट रहेगा ये पूरी बिल्डिंग है ना इसमें पूरे में जिम होना चाहिए और सब साथ में और सब मिलकर और कंपनी और आगे बढ़ रही है बस ऐसा ही प्यार बनाए रखो और देखो यार कभी कभी हम लोगों से भी गलतियां होती है ना सर्विस कभी कभी कभार हम भी थक जाते हैं थकावट हो जाती है लेकिन हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छी सर्विस दें और आगे भी हम इसी मोटिवेशन का इसी एनर्जी के साथ और एक जो मेन पिलर है ना इसको बिल्ड करने के लिए क्योंकि वो हमेशा कभी सामने आता ही नहीं है समझ रहे हो पल्लवी जोशी क्योंकि तुम ही हो लगा दे क्योंकि तुम ही हो लगा दे बस पगले बस रुलाएगा क्या यार बहुत बड़ी बात है ग्रेट है इशू ले लेता है तो गाइज आज यार इमोशनल हो गया था मैं सच में यार इतने लोगों का इतना प्यार और अपने शहर में लोगों का सपोर्ट मिलना और इस तरीके से कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इतना सपोर्ट कर रहे हैं सारे यार थैंक यू सो मच अपने आप हो गया था भाई मैंने कुछ नहीं किया था अभी भी हो रहा हूँ तो चलो अभी बने रहो वीडियो में अभी ऊपर जाना मुझे पल्लवी की भी बस है आज पल्लवी भी दिल्ली जा रही है तो गाइस देखो लगे हैं पूरा समोसे मिठाइयाँ बांट रहे थे ये अपने पिजौरा वाले टीम है सारी फैमिली अपनी परिवार पूरा BFF फैमिली अच्छी लगी हो ना आपको यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इसको फेमस कर दो इस वीडियो को फुल कमी होने नहीं देंगे एक और फ्लोर है उसकी ओपनिंग होनी बाकी है उसकी डेट डालूंगा मैं उसकी अलग से ओपनिंग पार्टी होगी हाँ जी अंश जी कैसा लगा आपको मजा आ गया कितनी एनर्जी थी आज बहुत ज्यादा है ना गला बैठ गया आपका अरे भाई मैच हार गया आज क्यों मेरे को एक ओवर पे 13 रन पड़े और डक पे आउट हो गया गया अरे यार तो कैसा यार क्यों ऐसा क्यों किया भाई भाई हो गया यार पड़ गए कोई बात नहीं मैच चाहिए अगले मैच में अच्छा कर रहा अगले मैच में भाई 5 विकेट लेंगे इसी में थैंक यू हमारे भाई साहब आए सुनिए पहले भाई साहब आए फिर सर आए मैम तो पहले आ गए थे ये देखिए ये कह रहे थे तुमको कहा यार मेरे दोस्त को भी ला कहा है ये आदमी केक लाने वाला था इसीलिए केक छोटा था यहाँ पे इसने कहा था केक नहीं लाएंगे कोई भी तो हमने ऑर्डर नहीं दिया था हमने बड़ा केक ऑर्डर करना था ये लाने वाला था बाय बाय थैंक यू हाँ बेटे कैसा लग रहा तेरे को जाते हुए क्या अच्छा लग रहा तुमने तो कहा अच्छा लग रहा है तो गाइस पल्लू की बस आ गई है ओके पल्लू बाय 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 तो चलो गाइस पल्लवी चली गई दिल्ली अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय लव यू ऑल और अपना ख्याल रखिए और BFF को ऐसे ही प्यार करते रहिए अपनी सपोर्ट दिखाइए ठीक है बाय गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब कर दो जल्दी